जय श्री राम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जस्ट मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसके बाद कई सारे मुझे कमेंट्स आने लगे कि भाई आपने जो है फेक बनाया है, आपने हेयर फाइबर्स लगाए हैं, एक हफ्ते में कितना रिजल्ट कैसे आ गया, आपका जो हेयर फाइबर वाला वीडियो देखा था उसमें तो रिजल्ट कुछ खास था ही नहीं, अभी अचानक से इतना रिजल्ट क्यों आ गया। तो उसको क्लियर करने के लिए मुझे लगा नहीं था कि यार उसको क्लियर करना पड़ेगा यार, क्योंकि इतना तो है यार, चार महीने में तो सबका इतना आ जाता है। हाँ, हालांकि सबके नहीं आए होंगे इतने अच्छे रिजल्ट्स, इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है यार सबकी अलग अलग तरीके से। एक मेरे मित्र यूट्यूबर हैं, उनसे मेरी अभी एक दो दिन पहले बात हुई, सबसे धांसू यूट्यूबर्स में सबसे धांसू रिजल्ट तो उन्हीं का होगा मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, सिर्फ यूट्यूबर्स में नहीं, मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में इससे बेहतरीन रिजल्ट किसी का नहीं देखा। तो पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट। और ऐसे भी कई लोग देख रहा हूँ मैं जिनके रिजल्ट अभी भी नहीं आए हैं, 5 महीने 6 महीने हो गए उसके बावजूद भी। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करता है, ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि कई लोगों को ये लग रहा है कि मुझे ऐसा लगा जब मैंने लास्ट वीडियो देखा कि फ्रंट से ऐसा लगता है कि मेरा सर है ना पूरा भरा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। ये देखो पूरा खाली है, यहाँ ऊपर का जो हिस्सा है ना ये पूरा खाली है। अगर आपका डाउट सिर्फ इतना ही है कि फ्रंट से तो पहले फ्रंट में बाल था और ऊपर का जो है खाली था, अब कैसे रिजल्ट आ गया, तो आपका डाउट मुझे मेरे ख्याल से जो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सामने से ऐसा लगता है कि पूरा भरा हुआ है बट ऊपर पूरा खाली है। इसके लिए सेकंड थर्ड सर्जरी अभी मुझे जाना है। ठीक है, बाकी का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये डाउट है कि ये जो फ्रंट हेयरलाइन है इस पर मैंने कलर या मेहंदी लगाया हुआ है, बाकी का वीडियो उन मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के लिए है, तो देखते रहिएगा। जो लोग दोस्तों मुझे पहली बार देख रहे हैं, भाई लोग, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि मैंने अभी हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है और मैं अभी हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस जो है शेयर कर रहा हूं, जिससे हो सकता है आप में से कई लोगों को फायदा मिले। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और वो जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाए। और दोस्तों अगर आज का सेटअप सही लग रहा है यार, पहली बार ट्राई किया, DSLR कैमरा चला रहा हूँ, ये सब तो तुम लोगों ने बताया नहीं यार कि DSLR वगैरह के, मैं अभी जो दो चार वीडियोस बनाए ना वो DSLR से हैं और अभी ग्रीन स्क्रीन वगैरह भी यूज़ करने लगा हूँ। कैसे लग रहा है ये वीडियो क्वालिटी, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा, अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक मार दो यार, प्लीज़ एक लाइक मार दो यार, ग्रो कर रहे हैं भाई अपन धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, और भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, तो लाइक मार देना भाई। ठीक है, चलिए अब रही बात क्या रिजल्ट दिखाने की ना, तो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि ये फ्रंट हेयरलाइन में जो है मैंने क्या कहते हैं वो करा हुआ है, कलर या फाइबर लगाया हुआ है, आप लोगों के लिए है ये रिजल्ट। वेट, ये है ये देखो, कलर वगैरह कुछ नहीं है भाई, नहीं तो आप लोगों को लगे कलर करा हुआ है, कलर वगैरह कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, तो और भी देख लो और अच्छे से कर दूं, कुछ भी नहीं किया कलर। ठीक है, देख लो अच्छी तरीके से, और भाई मेरे को ज़रूरत भी नहीं है यार ये सब चीज़ें करने की, क्योंकि सबसे यूट्यूबर्स में से सबसे ज़्यादा सबसे कम सर्जरीज मेरी हुई है, मेरा रिजल्ट आ गया भाई, मैं इसी चीज़ में खुश हूँ। ठीक है, तो मुझे ये फेक कलर या फाइबर लगा के ये करने की ज़रूरत नहीं है, फाइबर लगा के मैं दिखा चुका हूँ, उसको भी मैंने हैंडपम्प में धोकर दिखा दिया आपको। ठीक है ना, तो मुझे नहीं लगता ये सब करने की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सामने से, बस इसको ऐसा कर देता हूँ तो सामने से ऐसा लगता है कि भाई मेरे जो है बाल आ गए हैं, है ना, बट कि ऊपर पूरा खाली है। तो ऊपर, अब ऊपर जो है आप लोग में से कई लोग बोलेंगे, देख लो अच्छे से, देखो देखो ये है, 4 महीने है अभी भी, डेंसिटी इसमें और आने वाली है, डेंसिटी अभी इसमें और, मुझे ऐसा लगता है कि डेंसिटी जो है इसमें ना और आने वाली है। एक और चीज़ मुझे जो महसूस हुई दोस्तों, यहाँ पे जो सर्जरीज हुई ना
वहाँ का रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया, बशर्त यहाँ के कंपैरिजन में. यहाँ का सर्जरी का रिजल्ट है ना बहुत स्लो आ रहा है. यहाँ पे भी पूरी डेंसिटी नहीं आई है, यहाँ पे अच्छी खासी आ गई, यहाँ बीच में नहीं आई है. ये मैंने महसूस किया अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन में. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और अभी भी कोई शक है तो बताइएगा, कुछ और तरीके से करेंगे, शैम्पू करेंगे आपके सामने. अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है कि भाई अभी भी कुछ कलर छपा हुआ है, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि भाई क्या कहते हैं. अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, हेयर फाइबर्स जो है ना, हेयर फाइबर्स आपके जहाँ पे बाल है ना वहाँ पर जितना भी मैंने धोया ना, इतने धोने पर भी थोड़ा बहुत लगा रह जाता है. ठीक है, पर मैंने ट्रस्ट में मैंने हेयर फाइबर्स नहीं लगाए हैं. लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो लोग हेयर फाइबर्स थोड़ी बहुत थिनिंग होने लगी ना वो डाल सकते हैं. हेयर फाइबर एक ठीक ठाक ऑप्शन है. जो लोगों को लगता है कि भाई पार्टी में जाना है या कहीं थोड़ा बहुत स्कैल्प दिख रहा है, हल्का बहुत जिनका दिख रहा है ना, हेयर फाइबर ठीक ठाक उपाय है. उसको एक कंसीलर है वो, ठीक है, उसको हाइड करने के लिए तो यूज़ कर सकते हो. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग चाहें तो मंगा सकते हो वहाँ ऑनलाइन अमेजोन से. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा नीचे, कैसा लगा वीडियो, आज का सेटअप कैसा लगा, सब कुछ आज अपना एक्सपीरियंस जो है आज शेयर जरूर कीजिएगा नीचे. मिलते हैं एक और नया वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.